हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं निपल डिंकर के बारे में बात करेंगे। टोटल जो वीडियो है, कैसे निपल डिंकर को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो कैसे करते हैं, तो ये टोटल जो डिटेल्स है मैं आज बताऊँगा। और इसका जो कॉस्ट लगता है, हर 100 चिक्स में आपका कितना खर्चा पड़ता है निपल डिंकर इंस्टॉल करने में, तो मैं ये जो टोटल डिटेल्स है मैं आज इस वीडियो पर देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्त, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो निपिल है, ये हर एक निपिल का आपका 43 रुपीज़, 42 रुपीज़ करके प्राइस है। तो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर में पाइप जो है, पाइप इंस्टॉल होता है। और आपको मैं पहले मेरा जो निपिल इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है मैं एक बार दिखा लेता हूँ। जैसे कि दोस्त देख पा रहे हैं कि इधर में मैं निपिल इंस्टॉल कर दिया। निपिल इंस्टॉल करने का जो फेस तरीका है, पहले तो आप ये जो पाइप है, पाइप को पहले ग्राउंड में बिछावन कर दीजिए 100 फुट के हिसाब से। आप जैसे कि मैं इधर में मेरा जो शेड है 100 फीट का शेड है, तो मैं 100 फीट तीन जो जो उसका डायमीटर है पाइप का, तो उसका डायमीटर है तीन जो, तो तीन जो पाइप पे को मैं 3 रो करके, उधर में 1 रो, इधर में मिडिल पोर्शन में 1 रो और इस साइड में 1 रो, 3 रो में मैं पूरा टोटल जो पाइप है पाइप को बिछावन कर लिया सेट के अंदर। उसके बाद ये जो आपका आता है निपिल का, तो निपिल का ये जो इधर में जो क्लिप आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्लिप को अंदर में घुसा के, मतलब आपको क्या करना है, आपको जैसे कि मैं एक पाइप में आपको दिखा देता हूँ कि ये मान लीजिए 3 जो पाइप है। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर 100 चिक्स में आपको 6 ठो करके निपिल इंस्टॉल करना है। अगर मान लीजिए आपका 2000 का शेड है, तो 2000 का शेड में 6 चिक्स के लिए 1 ठो निपिल, ऐसा करके आपको जितना क्वांटिटी आपको चाहिए उतना ही देना है, आपको कम नहीं देना है। मतलब ऐसा भी कर देता कि ऑटो डिंकर जो सिस्टम है, ऑटो डिंकर 2-4 आपका कम देने से भी चल जाता है, लेकिन आपको निपिल जो है, निपिल एकदम जो उसका जो माप है उसके हिसाब से आपको देना चाहिए। और मैं पाइप को कैसे ड्रिल करते मैं बोल देता हूँ। मान लीजिए आपका 100 फीट का शेड है, तो देखने के लिए मिला है कि 13 से 14 इंची डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस में निपिल पड़ रहा है। तो आपको पहले ये नाप लेना होगा कि आपका शेड का जो डिस्टेंस है कितना है और कितना इंची आपको गैप देके ये बनाना है। तो पहले ये डिवाइड कर लीजिएगा, उसके बाद आप जब ड्रिल करेंगे 9 mm ड्रिल से आपको ड्रिल करना है। ये मैं एक बार बता देता हूँ फ्रेशली कि 9 mm ड्रिल से ड्रिल करना है। अगर थोड़ा बहुत ओवर हो जाता है तो इससे आपका पानी टपकना मतलब 100% है। मतलब आप किसी भी कीमत पे ये जो पाइप इंस्टॉल करेंगे इस पर आप पानी को रोक नहीं सकते, इसलिए आपको 9 mm से ही ड्रिल करना है। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि पहले एक ड्रिल आप कर लीजिए, उसके बाद इसको इंस्टॉल करके देखिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। वरना ऐसा भी कर देता है कि आपका जितना पाइप, मतलब 100 फीट के हिसाब से 3 रो में 300 जो फीट पाइप है उसको पहले ड्रिल कर लिया, ऐसा ऐसा करके ड्रिल कर लिया, तो वो ये ओवर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो मैं ये बात बताऊँगा, तो पहले 1 ड्रिल आप यहाँ पर कर लीजिए, उसके बाद इसको अंदर में घुसाइए। ऐसे घुसाने से ये घुस जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जो अंदर में जो डायमीटर हुआ छेद का, वो छेद ठीक है कि नहीं। तो पहले एक आप चेक कर लीजिए, अगर ठीक है तो आप उस हिसाब से ड्रिल करते करते जाइए, 14 इंची या फिर 13 इंची आपका जो हिसाब से पड़ेगा उस हिसाब से आप ड्रिल करते जाइए, तो ये हो जाएगा। और ड्रिल करने का टाइम में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ड्रिल जब करेंगे पाइप का एक ही साइड में ड्रिल करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 1 ठो करेंगे, यहाँ पे 1 ठो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस पाइप में, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे जो लाइन कॉलर का लाइन है, इस लाइन पे आपको ड्रिल करना है। वरना क्या हो जाएगा, एक निपिल ऐसा रह जाएगा और एक निपिल इधर चला आएगा, तो इससे चिक्स को पानी पीने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ऐसा ही करना है, मतलब पहले पाइप को ऐसे नीचे में बिछावन करके आप पहले 1 ठो 1 ठो करके इस जो कॉलर है, कॉलर के मिडिल पे आपको छेद करना है। थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, जाके ड्रिंकर जो है ऐसे मतलब चिक चिक तरह से पानी नहीं पी सके। तो आपको इस मिडिल पे छेद करना है 13 या 14 इंची, जो आपका शेड में जो नाप के हिसाब करके जो जितना आएगा उतना हिसाब से आपको ड्रिल करना है।
और पहले तो एक तो ड्रिल आप कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ड्रिल निपिल को अगर आप इधर से घुसाएंगे तो आपको इधर में जो निपिल दीजिएगा तो इसको भी ऐसा ही रखना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि चिक्स जब मिडिल पोर्शन में जो चिक्स रहेगा उसको इसमें भी पानी पीने नहीं आएगा और इसमें यहाँ पे भी वो पानी नहीं पी पाएगा। तो ऐसा करके रखना चाहिए, जो निपिल आप इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा करके आपको रखना है। और दोस्त मैं बोल देता हूँ, अगर आपका पड़ रहा है तो मैं बताऊँगा कि 10 पीस ऐसे एक्स्ट्रा कर लीजिए, जो कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि पार्ट्स तो बहुत ज़्यादा है, अगर मान लीजिए कोई में पानी टपक रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे ये जो नया आपके पास मतलब ऑलरेडी रखा हुआ है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं इसको खोलते, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने ऐसा भी बोल रहे हैं कि इससे पानी टपकता है, ऐसा कुछ नहीं। यह जो आपका क्लिप दिखा रहा है, ये क्लिप को आप घुमाइए, इसको आप खोल के, इधर में कुछ भी नहीं है, ये मटेरियल बहुत दिन लास्टिंग करता है, क्योंकि आपको ऑटो डिंकर में देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही पाइप क्लीनिंग देते हैं अंदर में जो काला वाला रबर रहता है जिससे वो पानी बंद होता है, ऑन होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब उभर जाता है और उसका जो छेद है था छेद थोड़ा सा बंद हो जाता है, इसलिए ठीक तरह से पानी नहीं पीता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ एक बॉल है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ खोल के। अब देखिए इसमें, इसके अंदर जस्ट ये मटेरियल्स है, तो ये मटेरियल्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ने बोल रहे हैं कि पानी टपकता है इससे तो कुछ काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं, ये आराम से आपका फार्म में चल जाएगा। पाइप के बाद बोल देता हूँ, अभी पानी जब आप घुसाएंगे एक ही साइड में पानी घुसाइए, जैसे कि मैं इस साइड में पानी घुसाया, इस साइड में पानी घुसाया, तो ये इस साइड में जाके आपको वहाँ से घूम के इधर में आके टोटल जो शेड है उस साइड में जाके, उस साइड में आके आपका बाहर निकल गया। तो इससे क्या हो जाता है, आप जब पाइप क्लीनिंग यूज़ करेंगे या फिर कुछ मेडिसिन अगर कुछ यूज़ करेंगे तो उससे आप यहाँ से फ्रेश पानी अंदर करके वहाँ से फ्रेश पानी आप उधर से जो मतलब टैप किया हुआ है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, इधर में जो आउटलेट है इस आउटलेट में आप बाहर कर सकते हैं। मान लीजिए कि गर्मी के टाइम में पाइप का जो पानी रहता है बहुत गर्म हो जाता है, तो उसको ये जो नॉब है इसको नॉब घुमाते ही बाहर पानी मतलब जो गर्म पानी है वो बाहर चला जाएगा और फ्रेश पानी जैसे घुस रहा है अंदर घुसेगा। तो ये ऐसा करके मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। और दोस्तों और एक बात बोल देता हूँ, कॉस्ट घटाने के लिए और एक चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं, आप बना सकते हैं घर में, जैसे कि ये जो क्लिप, क्योंकि इसका जो क्लिप मैं बनाया ये लकड़ी का है, तो पहले मैं फीडर के साथ जो मेरे को क्लिप मिला, ये जो क्लिप है ऐसा ही मैं क्लिप घर में बना लिया, क्योंकि इसका प्राइस है आपका 4-6 रुपया करके पड़ जाएगा। तो ये जो रो है, ये रो आपको मतलब एक रो अब अगर इधर देंगे तो रखना होगा, मतलब 5 फीट का अंदर अंदर आपको एक जो रस्सी है, रस्सी में उसको टंगवाना होगा, क्योंकि जाके आपका जो पाइप है, पाइप थोड़ा बहुत ना हिले, जैसे कि देख पा रहे हैं कि मेरा जो पाइप है, पाइप किधर से भी हिल नहीं रहा, क्योंकि इसका जो 5 फीट का रोप का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैं मेंटेन किया हूँ। और मैं बोल देता हूँ, ये जो लकड़ी का है, लकड़ी का मैं बनाया, आप किसी भी लकड़ी को लेके उसको ऐसा नाप करके काट के 2 ठो छेद करके, एक में ऊपर में रस्सी नीचे में रस्सी करके आप बना सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना ये अगर आपको 100 पीस लगेगा तो फिर 400-600 रुपया फिर आराम से खर्चा हो जाएगा। तो मैं ये कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये जो आपका लकड़ी का चीज़ है, लकड़ी का चीज़ मैं बनाया घर में। और बहुत सारे फार्मर्स ने ऐसा भी बोल रहा है कि प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता, क्योंकि मेरा जो उधर में 9 फीट 6 फीट का जो टैंक का डिस्टेंस मेंटेन किया हूँ, उस टैंक में भी आपका मतलब 18-22 दिन तक इसको इतना प्रेशर नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं क्या किया आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसलिए मेरा खुद का सिस्टम है एक ऑटो डिंकर जो कि मैं घर में बनाया, क्योंकि जो प्रेशर कंट्रोलर जो मिलता है उसका प्राइस आपका 4,000-4,500 रुपया करके मिल जाता, तो ये भी बहुत महंगा है। तो मैं क्या किया, मेरा तो उस फार्म में ऑटो डिंकर वैसे ही है, तो एक ऑटो डिंकर दे के मैं प्रेशर जो है प्रेशर को कंट्रोल करता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपका ऊपर में जो मतलब क्लिप वगैरह जो रहता है, मैं उसको खोल दिया, डायरेक्ट पाइप इनलेट कर दिया टैंक से, और इधर से पानी गिरने के बाद मैं इधर में थोड़ा सा छेद करके एक 3 जो पाइप मैं इधर घुसा दिया, इससे जो पानी मतलब निपिल में जाएगा तो इसका जो प्रेशर होगा, नॉर्मल प्रेशर होगा,
मतलब इधर में पानी भरा रहेगा, उससे आपका उभार होके इधर जाएगा। जैसे मान लीजिए निपिल में चिक्स पानी नहीं पी रहा है तो ये भर जाएगा, और ये ऑटोमेटिक जो निपिल है आपको तो पता है ऑटो डिंकर का सिस्टम, ये पानी बंद हो जाता है। तो इससे आपका जो प्रेशर है, प्रेशर ठीक तरह से बरकरार रहता है, मतलब एकदम नॉर्मल प्रेशर आपको मिलेगा। और मैं और एक बात बोल देता हूँ, जैसे ही आप छोटा चिक्स है मतलब 12-15 दिन तक आप ऐसा छोटा एक टैंक करके रखिए जिसमें आप मेडिसिन यूज़ करेंगे, और इससे में आप एक ट्रैप बना लीजिए और इसमें आप इधर घुसा सकते हैं। ये मेरा नॉर्मल एक सिस्टम है, तो ये मैं खुद घर में बनाया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं 15 दिन तक पानी देता हूँ, उसके बाद प्रेशर मैं कंट्रोल करके इधर से जो पानी आता है ऑटो डिंकर में, ऑटो डिंकर 22-25 दिन तक चलता है। उसके बाद जब मतलब मान लीजिए कि 25-30 दिन हो गया आपका चिक्स ठीक तरह से पानी पी पा रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ ये जो वीडियो है वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। और अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।